समाजवादी पार्टी दो खेमों में बट चुकी है। एक गुट का नेतृत्व अखिलेश यादव कर रहे हैं, जबकि दूसरे गुट में भले ही नेताजी सबसे ऊपर हो, लेकिन इस गुट का चेहरा कौन होगा? इन तमाम सवालों के बीच अटकलों का बाजार गर्म है और खबर है कि मुलायम सिंह यादव मुस्लिम कार्ड खेलते हुए आजम खान को मुख्यमंत्री का चेहरा बना सकते हैं। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक मुलायम ने शिवपाल यादव और अमर सिंह से इस बारे में बात की है। बताया जा रहा है कि अमर और शिवपाल दोनों ने ही इस पर अपनी सहमति जता दी है। आजम खान मुलायम और अखिलेश के बीच सुलह कराने के लिए मध्यस्थ भी बने थे, लेकिन इसके बावजूद कोई नतीजा नहीं निकला। फिलहाल अब सबकी निगाहें चुनाव आयोग के फैसले पर हैं। चुनाव आयोग के फैसले के बाद ही इसका कोई औपचारिक ऐलान किया जा सकता है। आपको बता दें कि आजम खान समाजवादी पार्टी में एक बड़ा मुस्लिम चेहरा है। यही वजह है कि मुलायम खेमा उन्हें अपना मुख्यमंत्री चेहरा बनाकर 19% मुस्लिम वोट अपने पाले में करने की फिराक में है। इतना ही नहीं, पार्टी से जुड़े कई अल्पसंख्यक संगठन भी मुस्लिम मुख्यमंत्री चेहरा उतारने की मांग कर चुके हैं। ऐसा होने पर निश्चित रूप से मुस्लिम वोट में बिखराव होगा और इसका सीधा सीधा नुकसान अखिलेश को उठाना पड़ सकता है। तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, अटकलों का बाजार गर्म होता जा रहा है और इन्हीं तमाम अटकलों में एक खबर आजम खान से जुड़ी भी है, लेकिन इस खबर में कितनी सच्चाई है ये कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। देखते रहिए टीपी लाइव।